नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। दोस्ती, जब भी आप ये शब्द सुनते होंगे तो आपके मन में किसका किस्सा आता है? ज़रूर आप जय और वीरू को याद करते होंगे और ये मिसाल देते होंगे कि जो दोस्ती हो तो जय और वीरू जैसी हो। जिस तरीके से उन लोगों ने दोस्ती निभाया है वैसे ही लोगों को सीख लेनी चाहिए। तो आज हम आपको बिहार के ही ऐसे दोस्त की कहानी बताने जा रहे हैं जो बिल्कुल जय और बीरू जैसी है, जिसमें लालू प्रसाद यादव और रघुवंश प्रसाद सिंह का नाम आता है। जी हाँ, कर्पूरी काल में ये दोस्ती शुरू हुई और अब कोरोना काल में ये दोस्ती टूट गई है, क्योंकि रघुवंश प्रसाद सिंह दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। आज दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांसें ली, लेकिन आज हम आपको लालू प्रसाद यादव और रघुवंश प्रसाद सिंह की उस दोस्ती के किस्से को सुनाएंगे, जिसको सुनने के बाद आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या राजनीति में ऐसी दोस्ती हो सकती है। ये वो राजनीति जहां पर हर दिन समीकरण बदल जाते हैं, हर दिन लोग पाले बदलते हैं, दल बदल करना शुरू कर देते हैं, दूसरे दल में चले जाते हैं, जहां सहूलियत होती है उस ओर मुड़ जाते हैं। लेकिन ऐसे दौर में भी क्या ऐसा सच्चा दोस्त मिल सकता है जो हमेशा आपके साथ रहे? तो वो रघुवंश प्रसाद सिंह हैं, जिन्होंने 32 साल का सफर लालू प्रसाद यादव के साथ तय किया है। रघुवंश प्रसाद सिंह लोकदल के जमाने से ही लालू प्रसाद के साथ रहे। कर्पूरी ठाकुर की मौत के बाद कई वरीय नेताओं को दरकिनार कर लालू प्रसाद को नेता बनाने तक में रघुवंश प्रसाद सिंह की बड़ी भूमिका थी। राजद की स्थापना काल से ही लालू प्रसाद ने रघुवंश बाबू की किसी सलाह को दरकिनार नहीं किया। आज की राजद में वर्ष 1977 में विधायक बनने वाले लालू प्रसाद के बाद दूसरा नाम रघुवंश बाबू और अब्दुल बारी सिद्दीकी का ही आता है। लिहाजा रघुवंश प्रसाद पार्टी के संकट मोचक के रूप में भी काम करते रहे। यही कारण है कि पार्टी में राबड़ी देवी से ऊपर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में रघुवंश प्रसाद का नाम लालू प्रसाद रखते थे। विज्ञान के छात्र होने के बाद भी रघुवंश में गवई छाप लालू की तरह ही रही। केंद्र में सरकार बनी तो रघुवंश ने ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में जो काम किया, आज कांग्रेस भी इसकी कायल रही। आज के मनरेगा की शुरुआत उन्होंने ही नरेगा के रूप में की थी। इस योजना ने कांग्रेस सरकार की साख गरीबों के बीच बढ़ा दी थी। यूपीए 2 में भी कांग्रेस रघुवंश बाबू को मंत्रिमंडल में ले जाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने लालू प्रसाद को छोड़कर मंत्री पद स्वीकारना उचित नहीं समझा। तब लालू प्रसाद भी इस संबंध में पूछने पर यही कहते थे, रघुवंश और जगदा हमको नहीं छोड़ सकते। लालू भी हमेशा रघुवंश जैसे नेताओं के साथ भी हर पल खड़े रहे। हालांकि जगदानंद सिंह कभी मुखर नहीं रहे, जबकि लालू प्रसाद जब भी परेशानी में पड़े रघुवंश प्रसाद उनके पक्ष में मुखर रहे, उनकी पीठ पर ना सिर्फ खड़े रहे बल्कि उन पर उठने वाले सवालों का जवाब भी खुद दिया। यहां तक कि राजद प्रमुख के पारिवारिक मामलों में उनकी दखल थी। कहते हैं राजनीति आज के जमाने में सहूलियत के हिसाब से की जाती है। जहां पोजीशन मिलता है, जहां रिस्पेक्ट मिलता है और जहां पर ऐसा लगता है कि वहां जाने से फायदा होगा, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता अब पासा बदलने में या फिर दल बदलने में थोड़ी भी देर नहीं करता। लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह इन सब से अलग थे और ये वो शख्स थे जिन्होंने मंत्री पद अस्वीकार कर दिया था सिर्फ लालू प्रसाद यादव की दोस्ती के लिए। और वहीं आज जब रघुवंश प्रसाद सिंह चले गए तो लालू प्रसाद यादव भी सदमे में हैं और उन्होंने लेटर जारी करते हुए यही कहा कि रघुवंश बाबू आपने ये क्या कर दिया है। तो अब उन दोनों की दोस्ती कहीं ना कहीं टूट गई है। हालांकि ये दोस्ती हमेशा लोगों को याद आती रहेगी और राजनेताओं के लिए एक मिसाल जरूर है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।